दिल्ली में आज से महिलाओं के लिए डीटीसी में फ्री सफर और मार्शल की तैनाती को लेकर हमारी सहयोगी भावना ने लोगों से बातचीत की है। भैया दूज का अवसर है, ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए कई सुविधाएं फ्री हो चुकी है। जी हां, 15 अगस्त के दिन सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसका वादा किया था कि सभी महिलाओं को बसों और मेट्रो में सुविधाएं फ्री मिलेगी, लेकिन फिलहाल आज 29 अक्टूबर है और इस मौके पर सभी बहनों को क्लस्टर बसों से लेकर बसों तक में जो सुविधाएं हैं अब वो फ्री मिलने वाली है। आपको बता दूं, दरअसल जो ये पूरा स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होने वाला है, यहाँ पर बस संवाहक इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैं दिखाना चाहूंगी कि जब महिलाएं बसों में सफर करेगी तो उन्हें इस तरीके के पिंक कार्ड मिलेंगे जिसे वो बस संवाहक से लेगी और उतरते वक्त वो चाहे तो उसे अपने साथ वापस भी लेकर जा सकती है। बस संवाहक से मैं एक बार बात करती हूँ और उनसे भी जानती हूँ। सर, देखा जाए तो सुबह से जो है आप लोग सफर कर रहे हैं, कई महिलाएं भी बैठ रही है, जिस तरीके से आप लोग ये कार्ड बांट रहे हैं महिलाओं में किस तरीके की खुशी नजर आ रही है? पिंक पास मिल रहा है, पिंक पास की वजह से इन्हें ऑल नाइट तक फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन कहा जाता है कि सुविधाएं तो फ्री हो तो अच्छा ही लगता है, लेकिन अगर ऐसे में सोने पे सुहागा यानी कि देखा जाए तो सुरक्षा भी मिल जाए तो क्या कहने। मार्शल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, मैं आपसे सवाल करूंगी, सुरक्षा के लिहाज से आपको तैनात किया गया है, सुबह से आप लोग जो है मौजूद है और कई दिनों से जो है सेवा दे रहे हैं, किस तरीके से महिलाएं जो है अपने आप को सुरक्षित पा रही है इस तरीके? मैडम, महिलाएं ऐसा है कि जैसे हम लोग तैनात होते हैं, ज्यादा छेड़ाखानी होती नहीं है। अब काफ़ी लोगों से हमने पूछते हैं कि आप खुश हैं हमसे, क्योंकि पहले होता है कि लेडीज़ अकेले होती हैं, दो होते हैं तो बस में भीड़ के वजह से उन्हें छेड़ाखानी होते हैं कुछ इस वजह से, और कुछ विकलांग होते हैं जिनको स्ट्रेचर जैसे वो जो चेयर होते हैं उनको हम उठाते हैं, हेल्प करते हैं विकलांग और लेडीजों के लिए, सीनियर सिटीजन हो गए, उसमें काफ़ी लोगों की हेल्प। छेड़ेगा मेरे ने गुड़गांव से आती हूँ बेटी की दवाई लेने के लिए, यहाँ तो मैं वो मतलब किराए की वजह से मैं अकेली दवाई लेने आई हूँ, उसकी मतलब पर्ची दिखा के दवाई ले आऊँगी, लेकिन मेरे को पता लगा है कि फ्री में है किराया तो मैं बहुत खुश हूँ, बस में जा रही हूँ, मेट्रो में नहीं जा रही। और अगर मैं आपको बताऊँ, दरअसल चलती बस में मौजूद है तो थोड़े बहुत धक्के भी लग रहे हैं, लेकिन ये धक्के से ज़्यादा जो मज़ा है वो इनके चेहरों पर देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ये स्माइल बहुत प्यारी यहाँ पर उनकी नज़र आ रही है। कारण सीधा है कि अब दिल्ली सरकार एक पिंक जो कार्ड है उसके बदले 10 रुपये का भुगतान खुद ब खुद करने वाली है। और इसी के साथ में अगर आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, क्योंकि ये सेवा अगले मार्च तक वैलिड रहने वाली है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं की जो बचत है वो भी अब बढ़ने वाली है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं भावना, R9 TV दिल्ली।